Hello friends, in this video we shall learn about conjunctions. Conjunction is one of the 8 parts of speech. It is also known as joining word. Let us learn in detail. Conjunctions. A conjunction is a word we join together sentences, phrases and sometimes words, thus making the sentence more compact and meaningful. Conjunction एक ऐसा word है जो sentences को, phrases को और कभी-कभी words को join करता है और उसे और भी meaningful बनाता है. Example, instead of saying Irfan is a good bowler and Zahir is a good bowler, we can say Irfan and Zahir are good bowlers. Irfan अच्छा गेंदबाज है और जाहिर अच्छा गेंदबाज है. इसके बदले हम कहते हैं इरफान और जाहिर अच्छे गेंदबाज हैं. The man is poor, the man is honest. वो आदमी गरीब है, वो आदमी ईमानदार है. इसके बदले हम कहते हैं The man is poor yet honest. वो आदमी गरीब है फिर भी ईमानदार है. Now let us learn the conjunction words, their meaning and their uses. Or, या, नहीं तो. Presents an alternative item or idea. एक पर्याय है. You be on time or you will not be given entry. आप समय पर आना नहीं तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा. Eat the ice cream fast or it will melt. आइसक्रीम जल्दी जल्दी खाओ नहीं तो वह गल जाएगी. Yet, बावजूद. Presents and contrast or exception. एक अपवाद है बावजूद. They gamble, yet they don't smoke. वे जुआ खेलते हैं, उसके बावजूद वे सिगरेट नहीं पीते हैं. He is poor, yet he is honest. वह गरीब होने के बावजूद ईमानदार है. Nor, nor यानी कि ये भी नहीं. Presents a non-contrasting negative idea. They do not gamble nor do they smoke. वे जुआ नहीं खेलते हैं और सिगरेट भी नहीं पीते हैं. He is not interested in sports nor in studies. उसे खेलकूद में इंटरेस्ट नहीं है और पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं है. But लेकिन. Presents a contrast or एक्सेप्शन एक अपवाद ए कॉन्ट्रास्ट. दे गैम्बल बट दे डोंट स्मोक. वे जुआ खेलते हैं लेकिन सिगरेट नहीं पीते हैं. ही वॉज लेट बट ही मैनेज टू कैच द ट्रेन. वह लेट हो गया था लेकिन उसने किसी तरह भी ट्रेन पकड़ ली. So, इसलिए. Presents a consequence, नतीजा. He gambled well last night, so he smoked a cigar to celebrate. उसने कल रात अच्छा जुगाड़ खेला इसलिए उसने उसे मनाने के लिए एक सिगरेट पिया. He did not disclose his real income, so there was a इनकम टैक्स रेड ऑन हिज ऑफिस. उसने अपनी असली आय नहीं घोषित की इसलिए उसके ऑफिस पर इनकम टैक्स का रेड पड़ा. सो इसलिए. व्हाइल उस समय. एट द सेम टाइम उसी समय. द बॉय फ्रैक्चर्ड हिज लेग व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल. लड़के ने अपनी टांग तोड़ दी
खेलते वक्त, फुटबॉल खेलते वक्त, उसी समय यू मस्ट नॉट टॉक वाइल यू आर ईटिंग, आपको खाते समय बात नहीं करनी चाहिए उसी समय. फॉर प्रेजेंट से रीजन, कारणवश. ही इज गैम्बलिंग विथ हिज हेल्थ फॉर ही हैज बीन स्मोकिंग फार टू लॉन्ग, वह बहुत दिनों से सिगरेट पी रहा है, कारणवश वह अपनी सेहत से जुआ खेल रहे हैं. He was arrested by the police for teasing the girls in the street. उसे पुलिस ने अरेस्ट किया, कारणवश वह गली में लड़कियों को छेड़ रहा था. And or present non-contrasting items or ideas. एक जैसे ideas. They gamble and दे स्मोक, वे जुआ खेलते हैं और सिगरेट पीते हैं. ही फेल डाउन एंड फ्रैक्चर्ड हिज लेग, वह गिर गया और उसने टांग तोड़ दी. सिंस द टाइम पीरियड एंड कंटिन्यूइंग, तब से और अभी भी. रानी हैज बिकम सीरियस सिंस ही लॉस्ट हर फादर, जब से रानी के पिताजी गुजरे हैं तब से वह सीरियस हो गई है, गंभीर हो गई है और अभी भी गंभीर है. ही हैज टेकन ऑन एक्सरसाइज सिंस द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हिम, जब से डॉक्टर ने उसे सलाह दी है तब से वह एक्सरसाइज करने लग गया है और अभी भी कर रहा है. देन ये दो चीजों के बीच की कंपैरिजन होती है. Comparison between objects. Sunil is more intelligent than his classmates. Sunil अपने सभी सहपाठियों से ज्यादा होशियार है. Ram is taller than all his classmates. Ram अपने सभी सहपाठियों से ज्यादा ऊंचा है. That की के the reported speech. किसी के शब्दों को कहना. सुनीता इन्फॉर्म मी दैट शी इज नॉट गोइंग फॉर द पार्टी, सुनीता ने मुझे सूचित किया कि वह पार्टी में नहीं जा रही है. इट इज सेड दैट हेस्ट मेक्स वेस्ट, ऐसा कहा जाता है कि घाई करने से सब खराब हो जाता है, जल्दबाजी करने से सब खराब हो जाता है. ऑल्दो दो, ऐसा होने के बावजूद. इवन दो, ही फिनिश द एग्जाम इन टाइम दो ही वॉज लेट फॉर एग्जाम, वह परीक्षा के लिए लेट पहुंचा, फिर भी बावजूद उसने परीक्षा समय पर खत्म की. ही मैनेज हिज फैमिली although he lost his job, उसने अपनी नौकरी खो दी, बावजूद उसके उसने अपनी फैमिली को अच्छी तरह से मैनेज किया. Because इस कारण, showing reason, I could not attend the party because I was having terrible headache, मुझे बहुत सर दर्द हो रहा था इसलिए मैं पार्टी में नहीं जा सका. I often go for trekking because I love adventure. मुझे साहसिक कार्य करने अच्छे लगते हैं इसलिए मैं ट्रैकिंग पे जाता हूँ. Whether it doesn't matter, ऐसा हुआ या नहीं हुआ. Whether you win or lose is immaterial. Participation is must. तुम जीतते हो या हारते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सहभागी होना जरूरी है. I get up early in the morning, whether it is working day or holiday. चाहे छुट्टी का दिन हो या काम का दिन हो, मैं हमेशा सुबह जल्दी उठता हूँ. Until, तब तक, जब तक, condition of time.
ही विल नॉट गो अंटिल यू गिव हिम हिज मनी, वो तब तक नहीं जाएगा जब तक तुम उसको उसके पैसे नहीं दे देते। ही स्टेड इन ऑफिस अंटिल ही फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, वो तब तक ऑफिस में रहा जब तक उसने प्रोजेक्ट खत्म नहीं कर दिया। एस जैसे ही, द मोमेंट ही लेफ्ट द रूम एस आई एंटर द रूम, जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ वैसे ही वो कमरे से निकल गया। द फॉक्स ग्रैब्ड द पीस ऑफ मटन एस इट फेल फ्रॉम द क्रोस बीक, जैसे ही कौवे की चूंच से मटन का पीस गिरा वैसे ही लोमड़ी ने मटन का पीस झटक दिया। कंजक्शंस इन पेयर, जोड़ी में कंजक्शंस। आइदर और, या तो ये या तो वो। यू आइदर डू योर वर्क और सिट क्वाइट, अपना काम करो नहीं तो चुप बैठो। आई शैल आइदर बाय ब्लू और व्हाइट शर्ट, या तो मैं ब्लू शर्ट लूंगा या फिर व्हाइट शर्ट लूंगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इतना ही नहीं लेकिन और भी। नॉट ओनली इज हैंडसम बट ऑल्सो ब्रिलियंट, वो सिर्फ हैंडसम नहीं है बल्कि होशियार भी है। दे नॉट ओनली किडनैप द चाइल्ड बट ऑल्सो मर्डर द चाइल्ड, उन्होंने सिर्फ बच्चे का अपहरण नहीं किया बल्कि उसका कत्ल भी कर दिया। Neither nor, neither the basketball team nor the football team is doing well, न तो basketball team न ही football team अच्छा खेल रही है। Neither Sunil nor Sunita attended her birthday party, न तो सुनील न सुनीता उसके जन्मदिन की पार्टी में शामिल हुए। Both and, दोनों और। बोथ द क्रॉस कंट्री टीम एंड द स्विमिंग टीम आर डूइंग वेल, क्रॉस कंट्री टीम और स्विमिंग टीम दोनों अच्छा कर रही हैं। बोथ सुनील एंड सुनीता अपोलोजाइज टू हर फॉर नॉट अटेंडिंग हर पार्टी, सुनील और सुनीता दोनों ने उससे माफी मांगी उसकी पार्टी में नहीं जाने के लिए। वेदर और, ये ऐसा होता है या नहीं होता है, फिर भी। वेदर यू स्टे और यू गो इट इज योर डिसीजन, तुम रहना चाहते हो या जाना चाहते हो ये आपका निर्णय है। वेदर यू लाइक इट और नॉट You will have to eat the medicine. तुम्हें पसंद है या नहीं पसंद है तुम्हें दवा खानी पड़ेगी। Just as, so, जैसे ये वैसे। Just as Italy love football, so Indian love cricket. जैसे इटालियन लोगों को फुटबॉल पसंद है वैसे ही इंडियन लोगों को क्रिकेट पसंद है। Just as you love your child, so others also love their child. जैसे तुम अपने बच्चे से प्यार करते हो वैसे दूसरों को भी अपना बच्चा प्यारा है। No sooner than, जैसे ही वैसे ही। No sooner he reached Mumbai than the rain started, जैसे ही वो मुंबई पहुंचा बारिश शुरू हो गई। No sooner he started talking than the boss interrupted him, जैसे उसने बोलना चाहा बॉस ने उसको रोक दिया। दो यट, ऐसा होने के बावजूद फिर भी। दो ही वाज सफरिंग फ्रॉम पेन यट ही कंटिन्यूड टू प्ले, उसे दर्द सता रहा था फिर भी उसने खेलना जारी रखा। दो ही वाज एन एवरेज प्लेयर यट ही वाज सिलेक्टेड इन द टीम, वो एक एवरेज प्लेयर था फिर भी उसका टीम में सिलेक्शन हो गया। औसतन खिलाड़ी होने के बावजूद
उसका टीम में चुनाव हो गया। कंपाउंड कंजक्शंस, जहां एक से ज्यादा वर्ड से कोई कंजक्शन बना हो उसे कंपाउंड कंजक्शन कहते हैं। इन ऑर्डर दैट, इसलिए के, ये अधिकतर हम दूसरों के लिए उपयोग करते हैं। द नोटिस वॉज पुट ऑन द नोटिस बोर्ड इन ऑर्डर दैट ऑल कैन रीड इट। नोटिस को नोटिस बोर्ड पे इसलिए डाला गया ताकि सब लोग पढ़ सकें, इसलिए कि सब लोग पढ़ सकें। ही वर्कड हार्ड इन ऑर्डर दैट हिज फैमिली माइट लिव इन कम्फर्ट। उसने इसलिए मेहनत की ताकि उसकी फैमिली सुख से रह सके, इसलिए कि उसकी फैमिली, उसका परिवार सुख से रह सके। सो दैट, ये अपने लिए होता है। फॉर सेल्फ, इसका मतलब भी इसलिए के होता है। आई सेव्ड सम मनी सो दैट इट वुड बी हेल्पफुल इन फ्यूचर। मैंने कुछ पैसे बचाए इसलिए कि मेरे फ्यूचर में काम आ सके, ताकि मेरे फ्यूचर में काम आ सके, मेरे भविष्य के लिए। आई विल गो बाय कार सो दैट आई कैन टेक मोर लगेज। मैं कार से जाऊंगा ताकि मैं ज्यादा सामान ले जा सकूं। ऑन कंडीशन दैट, इस शर्त पर, बशर्ते, इसमें दूसरे का फायदा होता है, वहां पे हम ऑन कंडीशन दैट का उपयोग करते हैं। आई विल फॉरगिव यू ऑन कंडीशन दैट यू डू नॉट रिपीट द मिस्टेक। मैं तुम्हें इस शर्त पर माफ करूंगा कि तुम फिर ये गलती नहीं दोहराओगे। रूल्स आर फाइन प्रोवाइडेड दैट दे अप्लाई टू ऑल सिटीजन्स इक्वली। रूल्स अच्छे होते हैं बशर्ते वो सभी सिटीजन्स के लिए समान होने चाहिए। प्रोवाइडेड दैट, इसका मतलब भी इस शर्त पर होता है, लेकिन इसमें दोनों का फायदा होता है। आई शैल बाय द टीवी प्रोवाइडेड दैट यू गिव मी डिस्काउंट। मैं टीवी इस शर्त पर लूंगा कि आप मुझे डिस्काउंट दोगे। इसमें दोनों का फायदा है। He spoke to reporters on condition that he was not identified. उसने रिपोर्टर से इस शर्त पर बात की कि उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। As though, जैसे कि, इसमें थोड़ा सा नाटक होता है। He walks as though he is a handicap. वो ऐसे चलता है जैसे कि वो अपाहिज है। द मॉनिटर बिहेव्स एज दो ही इज ए टीचर। मॉनिटर ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो टीचर है। एस इफ, जैसे कि, लेकिन इसमें सच्चाई होती है। ही लुक्स एस इफ He is tired. वो ऐसे दिखता है जैसे कि वो थका हुआ है। She appears as if her interview was fine. वो ऐसे दिख रही है जैसे कि उसका इंटरव्यू अच्छा हुआ है। As well as, ये भी और वो भी। I shall visit Tirupati Balaji as well as Rameshwaram Temple. मैं तिरुपति बालाजी और रामेश्वरम टेम्पल दोनों मंदिरों का दर्शन करूंगा। आई लाइक टू ईट फास्ट फूड एज वेल एज जंक फूड। मुझे फास्ट फूड और जंक फूड दोनों खाना पसंद है। एज सून एज, जैसे ही, वैसे ही। The lame beggar began to run as soon as he saw the police. जैसे ही लंगड़े भिखारी ने पुलिस को देखा उसने भागना शुरू कर दिया। As soon as he went to bed, he fell asleep.
जैसे ही वो बिस्तर पर गया उसे नींद आ गई। इवन इफ, ऐसा होने के बावजूद, फिर भी, सुनील वुड हैव पास्ड इवन इफ ही हैड नॉट गॉन फॉर ट्यूशंस। अगर सुनील ट्यूशन को नहीं गया होता फिर भी वो पास हो गया होता। इवन इफ यू टेक ए टैक्सी नाउ यू विल नॉट बी एबल टू कैच द फ्लाइट। अगर आप एक टैक्सी भी ले लेते हो फिर भी आप फ्लाइट नहीं पकड़ पाओगे। एज ए रिजल्ट ऑफ, इस कारण से, इस वजह से, गल्फ कंट्रीज बिकेम रिच एज ए रिजल्ट ऑफ ऑयल डिस्कवर्ड ऑन द आइलैंड्स। जैसे ही उन टापुओं पर तेल का शोध लगा वैसे ही गल्फ देश, खाड़ी देश अमीर बन गए। मैनी पीपल वर लेफ्ट होमलेस एज ए रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की वजह, यानी कि भूकंप की वजह से बहुत सारे लोग बेघर हो गए। एज लॉन्ग एज, जब तक के, एज लॉन्ग एज आई एम केपेबल आई विल राइड माई बाइक टू वर्क। जब तक कि मैं चला सकता हूँ तब तक मैं बाइक पर काम पे जाऊंगा, मोटरसाइकिल पर काम पे जाऊंगा। यू कैन लिव इन आवर हाउस एज लॉन्ग एज यू लाइक। आप हमारे घर में रह सकते हो जब तक आपको पसंद है। इन केस, अगर ऐसा होता है, इन केस ऑफ फायर प्लीज यूज द स्टेयर्स। अगर आग लगती है तो सीढ़ियों का उपयोग कीजिए। वी नीड अनदर प्लान इन केस दिस वन डजेंट वर्क। हमें दूसरे प्लान की जरूरत होगी अगर यह प्लान काम नहीं करता है तो। इन द इवेंट, इस बावत, इन द इवेंट ऑफ प्रेसिडेंट्स डेथ द वाइस प्रेसिडेंट विल टेक हिज प्लेस। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति उसकी जगह लेगा। इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ हिज वाइफ विल इनहेरिट द मनी। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो सब पैसा उसकी पत्नी को मिल जाएगा। नो मैटर हाउ, ये फर्क नहीं पड़ता है कि कैसे। नो मैटर हाउ मैनी एक्सक्यूजेस यू हैव यू आर ग्राउंडेड। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कितने बहाने हैं, आपको निकाल दिया जाता है। इट वॉज ए चैलेंज नो मैटर हाउ गुड द टीम वॉज। यह एक चैलेंज था इसके बावत कि कितनी अच्छी टीम थी। सो लॉन्ग एज, जब तक के। सो लॉन्ग एज यू ईट हेल्दी यू वोंट गेट सिक। जब तक कि आप पौष्टिक खाना खाते हो तब तक आप बीमार नहीं पड़ोगे। आई विल नेवर फॉरगेट यूर काइंडनेस सो लॉन्ग एज आई लिव। मैं जब तक जीऊंगा तब तक आपकी भलाई को कभी नहीं भूलूंगा। सपोजिंग दैट, ऐसा मान लेते हैं। Supposing that you got the job, would you accept the position? मान लो कि आपको नौकरी मिल जाती है तो क्या आप उस पोजिशन पर काम करना पसंद करोगे? Supposing that we find the treasure, how shall we distribute it? मान लो कि हमें खजाना मिल जाता है तो हम उसे कैसे बांटेंगे? दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे कोई भी आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और वादा कीजिए कि आप सब सेंटेंसेस याद करोगे। थैंक यू, कीप लर्निंग, हैव ए नाइस डे।